ओके, हम अगर कंटेम्प ऑफ कोर्ट है तो उसकी हम किस तरह ड्राफ्टिंग करेंगे, उसकी एप्लीकेशन किस तरह हम बनाएंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर दी नोटिस, सॉरी ड्राफ्ट ऑफ दी आज जितने भी मिसलिनियस ड्राफ्टिंग है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने अपने कैरियर में जब अपीयरेंस दी थी तो मैं अपने कैरियर का सारा। अच्छा, दिस इज़ दी फॉर्मेट ऑफ द कंटेम्प एप्लीकेशन। कंटेम्प, अगर कोई कंटेम्प ऑफ कोर्ट है या कंटेम्प ऑफ ऑर्डर है तो इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ दी नेम उस कोर्ट का होगा, फिर सूट जिसमें आप दे रहे हैं उसका नंबर होगा और सूट में जो पार्टीज हैं उनके नाम होंगे। अगर स्टे हैज़ बिन ग्रांटेड, इन स्पाइट ऑफ द स्टे हैज़ बिन ग्रांटेड टू द पार्टी बट अपोनेंट पार्टी इज नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड कीप वायलेटिंग दी कंटेंट्स एंड इंग्रीडियंट्स ऑफ दी डिसीजन ऑफ दी 39, तो उसके बाद अगर वो कंटेम्प करेगा तो उसके ऊपर आप जो कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह हम फाइल करते हैं, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 सेक्शन 94 ऑफ द CPC रेड विद दी 3, 4 एंड 5 ऑफ द कंटेम्प कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 था उस वक्त, अब आई थिंक 2013 है या जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, तो उसको आप इसको फिर इसको इस तरह कर देंगे कंटेम्प ऑर्डिनेंस जो भी वाट एवर दी लॉ इज प्रिवेलिंग दैट लॉ हैज़ टू बी मेंशन, क्योंकि जो रिपील लॉ हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा उसकी रेफरेंस देंगे तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज़ प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन हेयर आफ्टर मे बी प्लीज टू पास एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द कंटेम्पर नेम्ड इंफ्रा, नीचे दिया गया ना इंफ्रा नेम्ड जो है, सुपरा का मतलब ऊपर या अबव नेम, नेम इंफ्रा का मतलब नीचे एज अंडर बिलो या इंटर एलिया, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं ड्राफ्टिंग में। एंड ही मे बी पनिश फॉर द एग्जीबिशन ऑफ द अटर डिसग्रेस डिसऑबिनेंस एंड विलफुल फ्लोटिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डेटेड सो एंड सो पास्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंटेम्प्ट नंबर 1 डायरेक्टिंग टू मेंटेन द स्टेटस को फॉर कंस्ट्रक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओपन स्पेस ऑन बैक साइड ऑफ द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ। नंबर 1 दैट द डिफेंडेंट नंबर 1 विलफुली डेलिबरेटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट and today the defendant number 6 through his subordination and the contractor again started work and there the plaintiff apprised to contractor and to person engaged for lying columns of the order dated so and so and requested them to stop the construction and further facts that the plaintiff immediately called a photographer from Babu Photo Studio who drew the photos which shows the work of construction and so the act of the contemner is intentional deliberate and willful that if the contemner are not punished the public at large will be losing his confidence in courts and the administration of justice it will be the interest of justice commit the contemners in prison and thereafter name of the contemners who contempt the court order and this prayer the matter of the interest of justice date aayegi fir advocate of plaintiff or defendant whatever he will be. So ye to ek हमने ड्राफ्ट था कंटेम्प्ट जो है, मोस्टली कोर्ट जब आप जाएंगे तो कुछ ऑर्डर्स जो है उसकी वायलेशन होगी तो व्हाट यू नीड टू डू, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा जनरल लॉ जिस लॉ में आप कोर्ट में गए उसमें कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, अदरवाइज फिर जो 3 और 4 और 5 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में फिर आप जाएंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल में भी 204 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, उसमें भी आर्टिकल है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक अपना कानून आ गया है तो उसके बाद उसको रेफरेंस दिया जाता है दैट विल नॉट अप्लाई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए, ऑर्डर को किस तरह एग्जीक्यूट कराना है, कोर्ट के जो है ऑर्डर्स को किस तरह ऑनर दिलाना है, यू मस्ट नो कि उसके लिए आपके पास प्रोसीजर क्या है और उसके लिए आप कौन कौन से रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आस्क, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क।
तो स्टूडेंट्स ये तो था जो हमने कुछ रिव्यू किया, कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे उसको हमने रिकॉल किया, और अभी हम जो है वी आर गोइंग फॉर 15 मिनट्स ब्रेक।